यशोमती मैया के नंदलाला। देखो मैया, जैसा व्यापारी ने कही थी, सारा दूध दही माखन सकट में रख दियो है। तो अब क्या मुहूर्त निकालूं? जब बुला मेरे लल्ला को। ओ उज्जवल के बाबा, ध्यान से सुन भानु, इसे लेके ना मथुरा जानो है, पतो है। और अग्रिम धनराशि वो भी तो लेके आनी है ना, यही बात तो हुई थी ना व्यापारी जी से। चिंता मत कर, भानु नाम है मेरो, भानु बिना धन ले लौटेगो ना। ए नारायण, मथुरा में सब अच्छा हो इनके साथ। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भवन अंगराज, हमने सुना है कि श्री नारायण की कृपा से आपको एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको पता चल गो महाराज, बस नारायण की कृपा है। महाराज आप घर पधार कर हमारे बालक को आशीर्वाद दें और हमें कृतार्थ करें। क्षमा चाहूंगा नंदराज, मैं आपके घर नहीं आ सकता। मेरा अर्थ है, आज हम आपके घर नहीं आ सकते। आज एकादशी है और प्रभु नारायण की कृपा से मुझे उसका अनुष्ठान करना है। पतो है नन्ना, आज एकादशी है, आज के दिन आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। एकादशी तब तो हर बार की तरह नारियल के बड़े बड़े लड्डू बनाओगे ना मैया? ना लल्ला, लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास, ब्राह्मण देवता आते ही होंगे, बड़े कार्य से इसे। वो अनुष्ठान आप हमारे घर कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं नंदराज, शुद्धता का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। किसी दूसरे के घर में अनुष्ठान करना मेरे लिए संभव नहीं। महाराज मैं पूजा घर में सारा प्रबंध कर दूंगा, छोटा ही सही पर मंदिर तो वो भी है, वहाँ आप अपने सारे नियम और विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एकादशी की इस पुण्य तिथि पर मेरे बालक को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा, उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। ठीक है नंदराज, अगर श्री नारायण की यही इच्छा है तो हम उनका अनुष्ठान आपके घर पर करेंगे, लेकिन आपसे विशेष निवेदन है। जी महाराज। कि पूजा घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। जी। क्या हुआ प्रभु, आप व्याकुल हैं? हाँ मुरली मैया, इतना कार्य करके पहले ही थक गई है और अभी ने पूजा घर भी इन्हें फिर से स्वच्छ करना पड़ेगा। अब बस चौबारा भरना शेष है। आइए, सुख और ऐश्वर्य की नगरी मथुरा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था व्यापारी जी, हम अपना सारा का सारा दूध दही घी मक्खन सब लेकर आ गए। बस आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अगली बार के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान कीजिए। अग्रिम धनराशि? इतनी शीघ्रता क्या है, पहले आप मेरे स्वामी से तो मिल लीजिए। पर व्यापारी जी, हमारी बात तो आपसे निश्चित हुई थी। हाँ हाँ, वहाँ व्यापार का स्वामी मैं था, लेकिन यहाँ मथुरा में स्वामी वो है, मेरे भी और व्यापार के भी। हे 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 हे।
मैया मैं आपकी सहायता करूं? ना लल्ला तू जाके बैठ। मैया माखन खा के बात सब भी आ गई है, अब से आगे आप पूरा ना कराऊंगा। सच्ची? अब तू छोटा है लल्ला, बड़ा हो जा फिर सहायता करना मैया की। छोटा हूँ तो छोटा छोटा कार्य कर सकता हूँ ना मैया। अच्छा ले और पौधों में जल डाल दे। इतना सारा कार्य अकेले करोगे तो थकान से तन टूट जाएगा। आज कोई गोपी भी ना आ रही इनकी सहायता के लिए। अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए। ना अभी गई तो यशोदा भाभी डांट कर भगा देंगी। उनके क्रोध का सामना करने की हिम्मत ना है मुझमें। ना ना लल्ला की शिकायत करनी हो सब दौड़ी दौड़ी आती है। मुझे सहायता की आवश्यकता है तो कोई पूछने भी ना आ रही। ये कैसी विडंबना है प्रभु, मैया बुलाना चाहती है पर बुला नहीं पा रही और गोपियाँ आना चाहती है पर आ नहीं पा रही। चिंता मत करो मुरली, अब देखो क्या करता हूँ मैं। जानकी कान्हा ने बुलायो मुझे। कान्हा तूने पुकारो मुझे। किसी ने किसी को ना पुकारो है यहाँ। ना भाभी मुझे ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरा नाम लेके मुझे बुलायो। मति भ्रष्ट हो जाए ना तो ऐसे ही लगतो है। भाभी क्रोध छोड़ दो ना, कितने दिन हो गए कान्हा से मिले बिना, बहुत स्मृति आती है उसकी। अच्छा कान्हा की स्मृति आती है और भाभी के जो आगे पीछे घूमती थी मेरी स्मृति ना है कभी। नाना भाभी आपको भी रोज स्मरण करती हूँ मैं सच्ची। अब बस बातें मत ही बना, सब पता है मुझे। माखन चुराने की कथा तूने ही फैलाई है, तुझे तो घर में प्रवेश ही ना मिलेगी, तेरा यही दंड है। चाहे कोई माने या ना माने पर तू तो सत्य जानतो है ना काना, कछु करना। अब देख क्या रही है जा यहाँ से। भैया जानकी ने मुझ पे आरोप लगायो है, मैं दंडू इसे। हाँ हाँ लल्ला तू ही दे। तुम्हारा दंड ये है जब तक कनौ ब्राह्मण वापिस ना चले जाते तुम्हें हर कार्य में मेरी मैया की सहायता करनी होगी और अधिक श्रम वाले सारी कार्य तुम्हें ही करने होंगे। बोलो दंड स्वीकार है? हाँ हाँ स्वीकार है। मैं दंड दे रहा हूँ तुम हंस रही हो? हाँ स्वीकार है। भाभी क्षमा कर दो ना। जा टोकरी लेके आ मैं लगा रही हूँ। साध लिए आपने, मैया की सहायता भी हो गई और घर में जानकी का प्रवेश भी हो गया। एक बार मेरे स्वामी भी तो आपका माखन चख ले, क्या पता प्रसन्न होकर और धनराशि दे आपको। और अधिक धनराशि, सुलक्षणा तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं आपके स्वामी से मिलने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ
हम भी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, तैयार हैं सब झटक लूंगा। अरे तो चलिए चलिए चलिए, आइए 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 आइए। भैया आप तो बना दो ना नारियल का बड़ा वाला लड्डू। हे नारायण, महाराज के लिए स्वच्छ वाली आसनी तो निकाली ना मैंने। लो मैया ने मेरी बात सुनी ना। सुन ली मैंने कान्हा, अभी लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास, महाराज चले जाएंगे उसके बाद। जानकी आजा मेरी सहायता कर दे। आइए महाराज, पधारी। यशोदा। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भव, आप हमारे घर पधारे, हम धन्य हो गए। श्री नारायण की इच्छा थी, उन्होंने मुझे भेज दिया। नंद भैया लाओ। महाराज विराजी। जल ग्रहण कीजिए महाराज। नहीं पुत्री, अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही हम जल और प्रसाद ग्रहण करेंगे, श्री नारायण की इच्छा से। यही है वो विशेष बालक। एकादशी के प्रसाद में आप ही नारियल का लड्डू चढ़ाते हैं क्या? तो ये है आपका पुत्र। चुप क्यों रहे लल्ला? महाराज को प्रणाम कर, ला जा रहे हैं। लल्ला, अरे महाराज कितनी दूर से आए तुझे आशीर्वाद देने, और तू लजा रहे है? आजा प्रणाम कर। क्या सोच रहे हो लल्ला? चरण छू महाराज के, जा 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 जा। ये पकड़िए। कान्हा, अतिथि के साथ ऐसा करते हैं क्या? पर बाबा, इसे हाथ में पकड़ के प्रणाम कैसे कर दो मैं? इसमें तो कुछ भी दिव्य नहीं है, बस एक साधारण निर्दोष बालक है ये, श्री नारायण की इच्छा से। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। अपने राजा का पुत्र सभी को प्रिय लगता है, मैं व्यर्थ ही गांव वालों की बातों में आ गया। अब आज्ञा दीजिए नंदराज, मुझे एकादशी का अनुष्ठान पूरा करना है। ठहरिए महाराज, मैं सारा प्रबंध करवा देता हूं अनुष्ठान का। कान्हा को भी थोड़ा समय मिल जाएगा आपके साथ। कान्हा चंचलता ना लल्ला, और अपने प्रश्नों वाली पोटली खोल के महाराज को तंग मत करियो, समझ आई? जा। महाराज अनुष्ठान के लिए क्या भोग बना दूं? कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है पुत्री, बस एक कसा हुआ नारियल और थोड़ा सा गुड़ चाहिए मुझे, श्री नारायण की इच्छा से। आज्ञा दीजिए महाराज। ये तो सच में मेरी इच्छा है कान्हा महाराज। आइए आइए। अरे आइए आइए, डरिए मत आइए। आपकी आज्ञा के अनुसार गोकुल से कुछ विशेष अतिथि आए हैं।
और अपने साथ लाए हैं बहुत सारा दूध, दही, घी, माखन। परमानंद, गोकुल के इन विशेष पदार्थों का स्वाद चखना ही चाहिए। देख क्या रहे हो, महाराज को अपना उपहार दो, जाओ। लो, तुम सब भी चखो गोकुल का विशेष पदार्थ। उत्तम, अति उत्तम। क्या कह रहे थे गांव वाले? देखने से ही अद्भुत संतुष्टि मिलती है, दिव्य है, विशेष है ये। मुझे तो किसी विशेष तत्व का आभास भी नहीं हुआ अभी तक, श्री नारायण की इच्छा से। ये तो आपके बहुत बड़े भक्त लगते हैं प्रभु, हर बात पर आपको प्रणाम करते हैं, फिर भी आपको पहचान ही नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने अभी तक पूर्ण समर्पण नहीं किया है। मुरली, वहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आओ यहाँ बैठो श्री नारायण की इच्छा से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो। धन्यवाद महाराज, श्री नारायण की इच्छा से। केवल साधारण ही नहीं, नटखट भी है ये बालक। स्थान दो तो महाराज, मैया कह रही थी कि आप तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं। तीर्थ यात्रा क्या होती है? किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की यात्रा को तीर्थ यात्रा कहते हैं। तीर्थ स्थान क्या होता है? तीर्थ स्थान का अर्थ है वो स्थान जिसके पवित्र जल में डुबकी लगाने से कोई भी मनुष्य संसार की भौतिक स्थिति से अध्यात्म की स्थिति तक सहजता से पहुंच सकता है, और कभी कभी तो वो अपने आराध्य अपने भगवान से भी मिल पाता है। आप मिले अपने श्री नारायण से? मेरी इच्छा तो बहुत थी बालक, परंतु श्री नारायण से मिलना इतना सरल नहीं है। नाना महाराज, श्री नारायण से मिलना बहुत सरल है, मैया तो घर के मंदिर में उनसे जाके मिल लेती है, और वो भी तीर्थ स्थान हुआ ना। हाँ, एक तरह से हुआ तो। तो जो आपकी तरह लंबी तीर्थ यात्रा पे ना जा सकते तो वो अपने घर के मंदिर में ही यात्रा कर सकते हैं, अपने श्री नारायण से मिल सकते हैं ना। कितना अच्छा होता यदि श्री नारायण से साक्षात्कार करना इतना सरल होता, श्री नारायण की इच्छा से। महाराज, सारा प्रबंध हो गया, आप अनुष्ठान आरंभ कर सकते हैं। आप भी मैया वाला सरल उपाय अपना के देख लो महाराज, क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो महाराज, कभी कभी कछु अधिक ही बोल जाता है मेरा लल्ला। महाराज और कछु सेवा?
जितना आवश्यक था वो सब मिल गया पुत्री, और क्या चाहिए इस ब्राह्मण को श्री नारायण की इच्छा से। बस अब थोड़ा सा एकांत दे दीजिए ताकि मैं बिना बाधा के एकादशी का अनुष्ठान पूरा कर सकूं। किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। सरल उपाय अपना के देख लो महाराज, क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। वो छोटा सा बालक श्री नारायण के दर्शन के बारे में जानता ही क्या है, इतना सरल थोड़े ही है। मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए नारायण, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु। भोग भी तो चढ़ाइए। पधारिए प्रभु, मेरा भोग स्वीकार कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? परमानंद, तुमने जितना बताया था यह उत्पाद उससे कहीं अधिक प्रसन्नता के योग्य है। महाराज, मैं प्रसन्न हूं। ये अपना सारा दूध, दही, घी, माखन और अपना सब कुछ तुम्हें देने का वचन दे चुके हैं। महाराज, अगली बार की अग्रिम धनराशि मिल जाती। अग्रिम धनराशि? तुमने इन्हें अग्रिम धनराशि नहीं दी क्या परमानंद? दी थी, वो इस बार की थी, अगली बार की। इस बार, उस बार, कितनी बार? वो अग्रिम धनराशि अवश्य थी और आंशिक नहीं, पूरा भुगतान था वो। अब तुम सबको बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मथुरा आना होगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? यही तो तय हुआ था हमारे बीच, और आप लोगों ने तो नारायण को साक्षी मानकर शपथ भी ली थी। नहीं नहीं महाराज, ये तो असत्य है। व्यापारी जी सही बात ना बता रहे हैं। महाराज आप स्वयं विचार करो, जीवन भर के दूध, दही, घी, माखन का मूल्य तो कम कैसे हो सकता है भला? ये तो नारायण की शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था। महाराज, महाराज ये अन्याय है महाराज। इतना दुस्साहस! मेरे ही महल में, पूरी राज्यसभा के सामने मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो गर्पण करने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नारायण को भूख खाने तो दो। पर तुम तो नारायण नहीं हो। लल्ला, लल्ला जी तूने क्या करो? क्षमा कीजिएगा महाराज। भूल मेरी है महाराज। बात यह है कि जब से इसे पता चलो कि आज एकादशी है, तब से जब नारियल के लड्डू मांग रहा था, वो समय के अभाव के कारण मैं ना दे पाई।
मैं दूसरे नारियल और गुड़ ले आती हूँ। भी अपने मन को ना रोक सकता ना लल्ला। कही थी ना महाराज के जाने के बाद बना दूंगी लड्डू। जानकी शीघ्र दूसरा नारियल कस के ले आ और गुड़ भी। ठीक है, जब कोई घर में आतो है तो ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? मैंने क्या करूं मैया? मैंने क्या करूं मैया, इससे तो बड़ा सयाना बनतो है। हाँ, और आज कभी महाराज के हाथ में लोटा दे रो है, कभी इतने बड़े ब्राह्मण देवता को ज्ञान दे रहे हैं, और अब भोग का लड्डू भी खा गए। चुपचाप यहां सांधी से बैठ जा और हिलियो मती। कोई बुलाए तो भी रह जाऊं? कोई बुलाए तो वो अन्य बात है लल्ला, उससे पहले हिलियो भी मती। हाँ नहीं तो भाभी जेली। जानकी ध्यान रखियो जी, जाए ना यहाँ से। ओ मैया की पहरेदार, ऐसे क्या देख रही हो? तुझे ही देख रही हूँ। पहले सतानी करतो है और फिर ऐसे सीधा बनतो है, ऐसे कछू किया ही ना हो तूने। सीधा ही तो हूँ मैं। अच्छा, सब पता है मुझे तेरी चलाकी। बातों में फंसा कर यहाँ से निकल जाना चाहते है ना? ना ना, मैं अपनी मैया का आज्ञाकार हूँ। जब तक कोई बुलाए को ना, यही बैठे रहूँगा। चाहे लड्डू खाने का कितना भी मन क्यों ना करे। विलंब के लिए क्षमा प्रभु, ये बालक अबोध है, बातें बड़ी बड़ी करता है परंतु नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पधारिये प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। पधारिये प्रभु, पधारिये, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। जानकी तुम्हें सुनना, वो मुझे बुला रहे हैं। कोई ना बुला रहे हुए, चुपचाप बैठे रहे ना तो तेरी मैया मुझे डांटेंगी। पधारिये प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। मैया ने कही थी कोई बुलाए तो जा सकते हूँ, और महाराज केवल बुला रही ना रहे बल्कि भोग ग्रहण करने की विनती भी कर रहे हैं। पधारिये प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। वैसे एक बात कहूँ? हाँ। तुम्हारे घर का माखन बहुत स्वादिष्ट था। तो तू स्वीकार कर रहे हुए कि तू मेरे घर चोरी करने आया था? हाँ। यशोदा भाभी, देखो इसने मान लियो कि जो चोरी करने आया था। देखा को? अरे हे नारायण, इसने तो फंसा दिया मुझे। भोग चढ़ाते तो भगवान को ठीक से खाने के समय क्यों नहीं देते? अब इतनी संग्रह रखना भी कठिन होगा। बड़ा शरारती बालक है ये, फिर आ गया नारायण की इच्छा से। मैं तो आपकी इच्छा से आई हूँ। अब जब बुलाते हो महाराज तो थोड़ा समय दिया करो भोग ग्रहण करने के लिए। मैंने तुम्हें कब बुलाया? अभी तो पुकार लगाई थी, आओ भोग ग्रहण करो। अविश्वसनीय, कैसा मूर्ख बालक है ये। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नारायण हो? जी, भीतर कैसे आए हो? उठ 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 लल्ला। आ मैया, मैंने मना किया था ना वहां से उठने को। पर मैया पिने तो कही थी कोई बुलाए तो जा सकता हूँ मैं। मैं इनके बुलाने पे ही यहाँ आई हूँ। पर मैंने तो श्री नारायण का आवाहन किया था। मैया कहती है छोटे बालक श्री नारायण का रूप होते हैं। कान्हा, आज तो अति कर दी तूने। महाराज का अनुष्ठान पूरा ना होने देगा तू? रहने दीजिए नंदराज, मैं ही जाता हूँ।
अपना अनुष्ठान गांव के मंदिर में पूरा कर लूंगा। ऐसा मत ही करो महाराज, आप अनुष्ठान पूरा किए बिना चले जाओगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। हाँ महाराज, आप जैसे ब्राह्मण देवता की सेवा हम ना कर पाए तो हम पर कलंक लग जाएगा। आप अपना अनुष्ठान यहीं संपन्न करें, मैं संभालूंगा इसे। मैं ध्यान रखूंगा आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न ना पड़े। मैं अभी दूसरी सामग्री लेके आती हूँ। तो मैं रोहिणी जिच्ची के यहाँ छोड़ के आती हूँ, जानकी से ना संभले गुजे। यशोदा वहाँ भी ना रुके गुजे, इसे मैं अपनंद भैया के यहाँ लेकर जाता हूँ। चल। यहाँ किसी ने तुम्हारे साथ ना तो कोई अन्याय किया है और ना ही कोई धोखा, केवल व्यापार किया है। स्मरण करो क्या प्रण लिया था तुम सबने, क्या उसमें किसी धनराशि का उल्लेख था? नहीं था। इसलिए अब उस प्रण के अनुसार तुम बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी और माखन, अपना सब कुछ मुझे दोगे। महाराज ऐसा अत्याचार, महाराज हम पे कृपा कीजिए। महाराज महाराज हमारे पास ये दूध माखन ही है, महाराज हमें उचित मूल्य दिलवा दो, ना तो मेरी पत्नी मुझे घर में प्रवेश ना करने देगी। महाराज महाराज हमारे जीवन यापन को केवल एक जे ही साधन है। महाराज महाराज तनिक दया करो हम पर, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। महाराज हमारे पास जीवन यापन का केवल जे ही एक साधन है। महाराज तनिक दया करो हम पे, हमारे बाल भूखे मर जाएंगे। ऐसा अत्याचार करके आपको क्या मिलेगा महाराज? उपनंद भैया, नंद मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या बात है, कान्हा भी आए हुए? और अंदर आओ, आओ नंद आओ। क्या बात है नंद, सब ठीक तो है ना? भैया ये है ना आपका कान्हा, ये अपने बाबा का नाम डुबो के माने को। तू यहीं बैठ, यहां से हिलेगो ना तू। अरे बड़ा नटखट हो गए भैया। अच्छा आप ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप मिलने आ रहे थे, कछु विशेष बात थी? जो गांव वाले मथुरा गए थे उनसे कछु खबर मिली? ना ना, जो लोग गांव से गए मथुरा उनमें से अभी तक किसी के आने की कोई सूचना ना है। तो आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे? चिंता की बात तो है ही ना आनंद, सूचना मिली है कि आसपास के गांव में सूखा पड़ गया। ग्वाले अपनी गैयन को चराने दूर वनों में लेकर जाया करते थे, पर अब तो वहां पर भी सूखा पड़ना आरंभ हो गया। हे नारायण, तो हमारे गोकुल की क्या स्थिति है भैया? गोकुल और गांवों के आसपास की जो स्थिति है उसको सोचकर ही तो मैं चिंतित हूं। शीघ्र ही उसका असर हमारे गोकुल पर भी दिखने लगेगा। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। ये महाराज भी ना बिल्कुल गोपियों की तरह ही है, पहले स्वयं बुलाते हैं फिर पलट जाते हैं। मैंने कब बुलायो? जाने कहा हो गो है, दो दिन से कान्हा दिखो ही ना है। हाँ, किसी के घर भी ना आयो, माखन भी चोरी ना की। अस्वस्थ तो ना होगो, कहीं चोट लग गई हो तो? हमें चल को देखना चाहिए। अरे माखन चोरी के आरोप के बाद यशोदा हमें मिलने भी देगी क्या कान्हा से? किंतु मौसी
हमें प्रयास तो करना चाहिए ना। हाँ। जानकी को नंद भवन में प्रवेश मिल गो है और कोई बड़े महर्षि भी आए हैं, पूजा चल रही है मंदिर में। तुझे तो सब पता है, छुप कर देख रही थी क्या? नाना मैं तो बस वहाँ से आ रही थी तो दृष्टि पड़ गई मेरी। चाहे जो कुछ भी हो पर सूचना उपयोगी है, क्या पता इसी बहाने हम सबको प्रवेश मिल जाए। चल काना, जे कहाँ गए हो? अरे जे अभी तो यही दो। काना काना काना, क्षमा कीजिएगा नारायण, आज बार बार अनुष्ठान में विघ्न आ रहा है, परंतु आप तो जानते हैं मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति पूरी तरह से सच्ची है, शुद्ध है, इसीलिए कृपा कीजिए प्रभु, पधारिए। और भोग ग्रहण करके इस भक्त को कृतार्थ कीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मैं भी मान सकूं आपसे मिलना उतना ही सरल है जितना उस बालक ने कहा था। आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं प्रभु, इस भक्त की भी विनती सुन लीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। इसी विश्वास और समर्पण की ही तो देरी थी महर्षि। आपके इस परम सत्य को मैं कैसे भूल गया हूं प्रभु? अरे तुम फिर आ गए? अब आप पिता प्रेम और भक्ति से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ना। एक ही बात को कितनी बार समझाऊं? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने अपने प्रभु श्री प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? क्या पता आपको भी तीन स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आपने सत्य कहा था प्रभु, आपसे मिलना बहुत सरल है, पर मैं अबोध समझ ही नहीं पाया, आपको अबोध कहता रहा। आप सामने थे और मैं पहचान ही नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी भूल को क्षमा कीजिए प्रभु। आपकी पूजा करने के लिए आपको बुला रहा था और आप ही को भोग खाने से मना कर रहा था। तो अब तो खिला दो ना महाराज, श्री नारायण की इच्छा से। We'll be right back.
जाने दो ना, महाराज बुला रहे हैं। भीतर तो बिल्कुल ना जाने दूंगी मैं, रुक। तुझे बता, बाबा ने तुझे आने कैसे दियो? सच्ची मैया, महाराज ने बुलायो है मुझे। मैंने तो ना सुनो है। अब जे मती कहियो कि महाराज ने नारायण को बुलाओ है और बालक नारायण का स्वरूप होते हैं। मैंने ही बुलाया था पुत्री। महाराज, महाराज अब आप मेरा सत्य जानते हैं, पर कृपया मैया को पता ना चलने दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए वो ही बना रहूँ जो हूँ, उनका सामान्य सा लल्ला, ताकि इनकी क्रेम की अमृत वर्षा मुझ पर सदैव बरसती रहे। महाराज जे सदैव ऐसे ना करतो है, आज ना जाने ऐसे क्या होगा। जे सैतानी ना थी यशोदा, जे तो प्रभु की लीला थी। महाराज आप अनुष्ठान पूरा करो, अब मैं इसे और विघ्न ना डालने दूंगी। नहीं पुत्री, ये विघ्न डालने नहीं, अनुष्ठान पूरा कराने के लिए आया है। मैं आपका सत्य किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है, मैं धन्य हो गया। आप क्या कर रहे हो महाराज? श्री नारायण का भोग आप लल्ला को क्यों खिला रहे हो? मैं सदैव कहता हूं कि जो होता है श्री नारायण की इच्छा से होता है, और मैं नारायण की इच्छा को ही नकार रहा था। महाराज कहीं भूल से मेरा भेद ना खोल दे। थोड़ा समय लगा, परंतु मैं समझ गया पुत्री, बालक ही श्री नारायण के रूप होते हैं। मैया देखा मैंने गाई थी ना, आज कान्हा ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई स्वयं को श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दे तो श्री नारायण बहुत सरलता से उसे मिल जाते हैं। कभी कभी एक छोटे बालक के रूप में सामने आ जाते हैं। नारायण को पाने के लिए किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी पवित्र जल में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। इन्हें पाने के लिए चाहिए तो केवल सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूं। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूं। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? तो फिर तो आप महाराज इसे आशीर्वाद दो कि जे बहुत तेजस्वी बने और इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। प्रणाम। आयुष्मान भवा। नंदराज अब मुझे आज्ञा दीजिए। आइए महाराज। कल्याण। पर मैया, दया करो।
महाराज, दया करो महाराज, दया करो महाराज, बस बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता हूं। यदि गोकुल राज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो बलिहारी जाऊं मैं? हाँ। ऐसे ही मुड़ के देखते रहता ना। कान्हा, मार्ग पे चलते समय पीछे ना देखा जाता है, सीधा देख, वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधा आरोप लगाती है। चल सीधा, एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा चित बस तो है जशोदा तेरे लल्ला में, क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी। वो माखन चोर तो पहले ही था, अब चित चोर भी बन गयो। नाना भाभी, जो ये बोलना चाह रही थी कि कान्हा बिल्कुल आप पर गयो है। जैसे चित को मोह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना, वैसे ही उसकी भी है। हाँ हाँ, जैसे गहरी सुंदर सुंदर आंखें आपकी है, वैसे ही उसकी भी है। कस्तूरी, सावित्री, अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती। और जब माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है। तो क्या आप मिलने दोगी हमें काना से? पहले कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक उपाय है। हाँ? भाभी, चाची, हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं, कान्हा कभी ना कभी तो आवेगो ही। हाँ? मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता। पहले आरोप लगाती है, फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती है। इन्हें लगता है जसोदा भोली है, मान जाएगी। इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं। पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है। क्या सुन रही है तू? भी तो उनमें से ही है। भाभी, मैं कल फिर से आ जाऊं ना? आना तो पड़ेगो, एक दिन में रणनक पूरा थोड़ी हो जाएगो। सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगो। सब यहाँ क्यों बैठी हो? अब तेरी तरह हर कोई चापलूसी तो ना करता है, पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए। अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी ना कभी तो कान्हा बाहर आएगो और हम सब उससे मिल पाएंगे। मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता ना है भाभी। नंद भवन में भले ही प्रवेश मिल गया है मुझे, पर ना तो मैं कान्हा से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ। मैं कहीं ना जाऊंगी उससे मिले बिना, आप सबके साथ यहीं बैठूंगी।
नंदराज, कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो। भानु, बजरंगी, क्या हुआ? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्या वो मथुरा में कछु गड़बड़ हुई है का? चिंता मत ही करो आप लोग, जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप सब लोग थके हुए हैं, तनिक विश्राम कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो आओ। मुझे ही कछु करना पड़ेगा। मैया मैं खेलने जाऊं? बोलो ना मैया मैं जाऊं? ना लल्ला, अभी ठीक आई ना, जो शुभ संकेत ना है। गड़बड़ तो हो चुकी है मैया। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। पीछे, पीछे। भानु, थक गए होगे, जल पी लो। बजरंगी, लो। अरे तन की आवश्यकता का तो ध्यान रखना होगा ना, लो। आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं? हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? हम इस योग्य ना है नंदराज, हम इस योग्य ना है। हाँ नंदराज, हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो आप लोग? हमने आपकी बात ना सुनी नंदराज, आपने कहा था, मना किया था आपने, पर अधिक धन के लोभ में हमने ही उस दुष्ट राक्षस को अपना वचन दे दियो। और मथुरा जाके पता चलो कि ये सारा षड्यंत्र उस व्यापारी का ना था, उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने पे ये सब किया। आपने तो सीखो है मैया, पर स्थिति कैसी भी हो चिंतित होना समाधान ना हो तो। पर समाधान तो चिंतन करने से मिलता है ना। तो मैं जाऊं? अच्छा बता, कछु गड़बड़ हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? श्री नारायण। तो तीन बार उनका ध्यान कर ले लल्ला। वाह मैया, मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो? क्या सोच रहे हो कर? नारायण 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 नारायण। बस बस, अब मैं जाऊं? जा। इसका अर्थ है कि जे कोई साधारण छल ना था, जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फंसाने की। इसका अर्थ जे है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो। कारण को तो पतो ना है, पर कंस ने हम सबको मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है। प्रस्ताव? कैसो प्रस्ताव भानु, बताओ। भानु यदि तुम ना बताओगे तो मैं सहायता कैसे करूंगा? उसने कहा है कि वो हमारे निशुल्क व्यापार की व्यवस्था को समाप्त कर देगो। यदि विनती करने के लिए आप उसके दरबार में जाओ तो वो भी क्या? वो भी गानों को साथ लेके। काना, पहले ठीक और अब जे
कछु गड़बड़ तो अवश्य। अब सब लोग जाइए, विश्राम कीजिए। मैं देखता हूं क्या करना है। भैया, मैंने इन सबसे कह तो दी कि मैं देखता हूं क्या करना, पर मैं क्या करूं? एक और मेरी प्रजा है, दूसरी और मेरा लल्ला। मैं लल्ला को कैसे लेकर जाऊं मैं उस अत्याचारी कंस के पास, जिसने रानी देवी के ऊपर इतने अत्याचार किए, जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा? वो तो अत्याचारी नहीं नंद, राक्षस है, राक्षस। और ऐसे राक्षस के पास अपने काना को ले जाना तो दूर, हम उसकी परछाई तक अपने काना पर नहीं पड़ने देंगे। और हमारे पास उपाय ही क्या है भैया? गोपियों ने कितने सपने संजोए होंगे अपने सुनहरे भविष्य के लिए, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो क्या बीतेगी उनके हृदय पर? आज भानु मथुरा से धन लेके लौटेगो तो मैं सीधा हाट जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार लूंगी। कछु लाभ ना होगो। मैं भी काना के लिए लूंगी एक विशेष उपहार, और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूंगी, ताकि काना लोभ में आके बार बार मेरे घर आवेगो। दो दिन से वो किसी के घर ना आयो है, तेरे घर आएगा दोबारा? जब देखो तब कोई ना कोई प्रश्न करते रहते है हमसे, पर इस बार दिखेगो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा उसे। आगो। अब ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? और ये हमें अपना मुंह क्यों ना दिखा रहे है? हाँ, ये सब का है। अब पहले माखन चुरा तो है, और अब लज्जा आ रही है तो मुंह छुपा रहे है। लज्जा उससे आए जिससे चोरी कियो, मैं क्यों लजाने लगू भला? अच्छा तो ये बता लल्ला कि ये सलोनों से मुंह क्यों छुपा रखो तूने? ताकि आप सब मेरी झलक भी ना देख पाओ। अच्छा, साहस है तो आंखों में आंखें डालकर बात कर। मैं यशोमती मैया का लल्ला हूँ। सास कूट कूट के भरो है मुझ में। पूछो क्या पूछना है। पहले तो ये बता, आज किसके घर जाएगो तू चोरी करने? चोरी और मैं? अधिक भोला मत बन। जे सब कौतुक जशोदा जी के पास चलेगो, यहाँ ना चलेगो। बस इतना बता दे कान्हा, आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गो है तू? बछड़ो को उनका अधिकार दिलानो अनुचित थोड़ी है। दूध दही माखन पे पहला अधिकार मालिक को कोई हो तो है, इसलिए भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। यशोदा भाभी। अब क्यों भयभीत होगो? भयभीत क्या हुआ, मैं तो बस जा रहा था। अच्छा मान लियो कि भयभीत ना हो रो है, अब ये बता कि हमारे घर क्यों ना आ रो है? हमने यशोदा भाभी से तेरी बात बता दी, इसलिए क्रोधित है क्या? मैं मटकी ऊपर लटकाती हूँ
इसलिए ना आयो? मेरे यहाँ का माखन अच्छा ना लगो क्या? किसी के यहाँ माखन बच्चों ही का है, जो आऊं सारा का सारा तो दे दियो उस व्यापारी को। अब भूल की है तो फल मिलेगा ही ना। वाह लल्ला, चोरी तू करे और भूल हमारी। नाना, अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। हम कहाँ बुरा मान रहे हैं और चिंता भी ना कर रहे हैं। जब यहाँ आवास हो जाए वहाँ भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। सही है लल्ला, एक तो माखन चुरा तो है, ऊपर से ज्ञान भी देतो है। मैं तो बस वही बता रहा था चाची, जो मैया ने सिखायो है। क्या और क्या क्या सिखायो तेरी मैया ने? यही कि परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो। समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। अरे अरे अरे, अरे? जे माखन छोड़ दो, हमें ही उपदेश देके भागो। वो देखो, ये सब लोग इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी, बहू तक ये बात पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। और नारायण ही जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या बीतेगी। कहीं वो फिर से कड़े निर्णय न ले ले। बड़ा निर्णय तो आज मुझे लेना होगा भैया। मुझे जय निर्धारित करना होगा कि यशोदा को कंस के बारे में क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। और मुझे ये भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। बाबा होने का दायित्व निभाकर अपने लल्ला की रक्षा करूं या राजा होने का कर्तव्य निभाकर अपनी प्रजा के हित को अधिक महत्व दूं। नारायण ही जाने के इस दुविधा का हल कैसे निकले। अब तो वो ही बचा सकते हैं भैया। तो बिल्कुल लड्डू जैसा है। और ये गुटकी डली, खाओ कि ना खाओ, भू देवी का प्रसाद ही तो है, थोड़ी सी खाई ली तो। मिट्टी खाई ना तुमने? मिट्टी? तू तो मिट्टी को ही माखन समझ के खाओगे खाना? इतनी भूख लगी थी तो किसी के यहाँ जाके माखन खा लेता।
बलराम ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे। चल छोटी माँ के पास। दाऊ हम तो एक दूसरे के साथ ही है ना? ना इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। छोटी माँ को वचन दिया था ना मैंने कि यदि तूने फिर से मिट्टी खाई तो मैं अवश्य बताऊंगा। बलराम कान्हा की चुगली करेगा तू? हमारी अख्तियार टूट जाएगी। बस कोई भी